अमेठी में बीजेपी को झटका लगा है तो उसकी भरपाई के लिए बीजेपी दूसरी पार्टियों से निकाले गए नेताओं का बाहें खोलकर स्वागत कर रही है। हाथी से उतारे गए बसपा नेता सुधीर सिंह को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर लिया है। सुधीर सिंह को इलाके के लोग भूमाफिया बताते हैं। इससे पहले बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल किए जाने के बाद बीजेपी को काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी, लेकिन लगता है पार्टी बस जीत का गणित बिठा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में पार्टियां बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दरियाबाद से बसपा को झटका देते हुए बसपा के नेता सुधीर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने सुधीर सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। सुधीर सिंह के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। शायद बीजेपी में सुधीर सिंह को शामिल कराकर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से जो है चाल और चरित्र उनका सबको पता है। आप देखिए पिछले इलेक्शन से पहले बाबू सिंह कुशवाहा को उन्होंने अपनी पार्टी में लिया था और सबको पता है किस तरह से लिया था और किस तरह से फिर उनको वापस निकाला था। भारतीय जनता पार्टी आजकल भूमाफियाओं की पार्टी हो गई है और जिनका चाल और चरित्र जिन नेताओं का कोई नहीं है वो सारे आज भारतीय जनता पार्टी के डंपयार्ड में जा रहे हैं। जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे हैं, गंभीर जिनके ऊपर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को अगर अपने चाल और चरित्र के बारे में जनता को एक संदेश देना है तो ऐसे नेताओं को लेना तुरंत के तुरंत बंद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी तौर पर सत्ता लोलुप दल है। वह सत्ता में आने के लिए कोई भी छल, कोई भी छद्म, कोई भी झूठ का सहारा लेने से हिचकेगी नहीं, चाहे माफियाओं के बल पर, चाहे दंगाइयों के बल पर, चाहे लुटेरों के बल पर उन्हें चुनाव लड़ना पड़े तो वो लड़ेंगे। और फिर ये उनकी बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय लीडरशिप समाप्त हो चुकी है। अब सुधीर सिंह से आपका परिचय करा दें। सुधीर सिंह सूबे के बड़े भूमाफिया क्षेत्र में काफी एक्टिव रहते हैं, इलाके में पकड़ भी है। शायद इसलिए 2 साल पहले ही बसपा ने सुधीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाने का मन बना लिया था, लेकिन पिछले महीने पार्टी ने सुधीर सिंह का टिकट काट दिया, जिसके बाद से ही वो पार्टी से नाराज चल रहे थे और अब सुधीर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि सुधीर सिंह के बीजेपी का दामन थामने के इस फैसले से बसपा को आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सुधीर सिंह अपने क्षेत्र में काफी एक्टिव नेता माने जाते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि सुधीर सिंह के बीजेपी में आने से पार्टी को दरियाबाद सीट से मजबूती मिलेगी, लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी को यूपी में भूमाफियाओं पर ही भरोसा रह गया है? क्या बाबू सिंह कुशवाहा प्रकरण से बीजेपी ने कोई सीख नहीं ली? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।